हेलो हेलो भैया, वंदे मातरम। मैं इतने दिन से फोन मिला रहा हूँ, इतने मैंने कि भैया पता ना कहाँ बिजी तो चल रही, एक खुशखबरी देनी तुम्हें। ऐसा मैं नवेड़ा में तो रह रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले बताया, मैं फिर भी बोल रहा हूँ भैया। तो यहाँ पे एक नेपाल बॉर्डर के एक भाई है, उनका नाम राजू है। तो वो मुझे मिले हैं अब से 2 महीना पहले, मिले पहले ही मिल गए। वो मौसी के घर पे ही हमारे किराए पर रहते थे, तो वहाँ पे उनके सामने बैठ करके मैंने राजीव भाई की चर्चा उन्हें बताई और कुछ चमत्कार बताए घरेलू औषधियों के लिए। तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, कहते कोई मैंने भी दे दिया, मैंने कि जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े फोन कर लियो मेरे पास, मैं हर समय अवेलेबल हूँ। तो इसी कोरोना टाइम में अब से 2 महीना पहले उनका मेरे पास फोन आया, कह रहे कि भैया मेरे गाँव में मेरे ही ग्रुप के नेपाल बॉर्डर पे ही कम से कम 35 हैं, हम अपने एक परिवार के वो इस बुखार से पीड़ित हैं, सर्दी खांसी जुकाम और ये सारी चीज। तो मैं आपके यूट्यूब चैनल पे आपकी वो देखता ही रहता हूँ ये सारी वीडियो, और उसको नोट कर लेता हूँ किताबों में, जो जो भी जिस बीमारी में आप बताते हो रिकॉर्डिंग में सुन के। तो तुरंत मैंने उनको सुबह 5 बजे उनका मेरे पास फोन आया होगा, तो कह रहे भैया बहुत परेशान है, ये समझ लो हालत इतनी खराब है, तो जो भी कुछ आपने इसके लिए बताया था 20-25 पत्ते ये सारी चीज, तो मैंने उनको लिखवाया पूरा का पूरा, और ये ऑक्सीजन ये होम्योपैथी की भी काढ़े वाला भी ये सारा, तो उन्होंने बताया। तो अब 2 महीना बाद उनका मेरे पास फोन आया, पीछे भी उन्होंने किया है, कह लगे कि एक बार तुमने उठा नहीं पाया पर एक बार तुम बता रहे थे मैं व्यस्त हूँ, मैंने कि चलो भैया मैं बताता रहता हूँ तो हो सके या चक्कर में बिजी हूँ। कहने के भैया तुम्हारे बताए हुए काढ़े से एक तो 35 के 35 हम सारे परिवार वाले बिल्कुल ठीक, और टोटल पूरे गांव में हमारे में कम से कम उस समय जिस समय मैंने आपके पास फोन किया था 200-250 आदमी बीमार होंगे इसी से, सर्दी खांसी जुकाम और बुखार का, सबके सब स्वस्थ हो गए बिल्कुल। भैया मैं इसी खुशी के मारे मन की गोविंद भैया को मैं बताता हूँ, जिससे कि और विश्वास हो कि देखो बाहर देश में भी हमारा ये माने राजीव भाई का और तुम्हारा भैया गोविंद भाई बड़ा चमत्कार हो रहा है इसका, तो बहुत बड़ी मुझे आज खुशी हुई है। बहुत बढ़िया भैया, इसी तरीके से लोगों की सेवा करते रहो। चिंता मत भैया, मैं तो समझ लो कि मैं तो लगा ही रहता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है बताता ही रहता हूँ कोई भी। और अब तो और एक और भाई थे यहाँ पे कलकत्ता के, उनको मैंने बताया यही का नाम है ये होम्योपैथिक की पथरी थी उनको पेट में, और तुम्हारा ही मैंने उसी में उनको पेट में भी दर्द रहता था, तो उनको कुछ होम्योपैथिक की भी मेडिसिन आपने बताई थी, तो उससे आराम हुआ नहीं, लेकिन तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे ही मैंने एक बार देखा था, आपके फेसबुक उस पर गया मैं आपकी वो है ना, तो उस पर तुमने स्टेटस डाल रखे हैं नुकसान के, तो ये सब मैंने अपने जो फोन में है डाउनलोड कर लिए वहां से, एक बार तो पूरी रात लगी थी, सारे हजारियों मैंने सब इसी के लिए। तो उसमें आपने बहुत अच्छा बताया था पेट के दर्द के लिए एक नुस्खा, 50-50 ग्राम जीरा और सौंफ और 25-25 ग्राम सौंठ, छोटी इलायची और काला नमक, इन सब का पाउडर बना करके मैंने दिया भैया। पहले दिन ही उनका पित्त की थैली में पथरी थी और दर्द खत्म, केवल देते ही एक चम्मच गुनगुने पानी से, और थोड़े टहले से थे वो, स्वयं ही मैंने अपने पास से बना के दिया। और होम्योपैथिक दवाई भी आपके उसमें थी, वो दीपक भैया यूट्यूब चैनल पर जो दीपक भैया हैं वहाँ के बिहार के, तो उन्होंने एक बहन की मदद करी थी 20 mm की, वो थी तुम्हारी रिकॉर्डिंग है उसमें यूट्यूब चैनल पर आपके, तो उसी में जो भी लिस्ट थी वो मैंने लिखी उनको, वो बताई। आप समझ लो कम से कम उनको 1.5-2 महीना हो गए, अभी तो सोनोग्राफी नहीं कराई लेकिन इतना आराम है, दर्द तो खत्म कर गई भैया उनको। तो भैया बड़ी खुशी हुई आज मुझे, क्योंकि बहुत दिन बाद फोन आया और तुमने भी, मैंने कि भैया बिजी चल रहे होंगे, मैंने कि कोई बात ना कभी तो उठाऊंगे तो मैं बताऊंगा उनको। ठीक है बाबू, हाँ भैया धन्यवाद भैया, वंदे मातरम भैया।